इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। दोस्तों ये वाली बाइक जो है ये W175 स्ट्रीट मॉडल है। सो 175 स्ट्रीट मॉडल में आपको ये कलर कॉम्बिनेशन दिख जाएगा एक, एंड ये दूसरा कलर कॉम्बिनेशन सिल्वर कलर में मिल जाएगा। एंड ये वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बेस वेरिएंट है, ये ब्लू कलर में आता है, एंड ये नॉर्मली W175 मॉडल नंबर आप कह सकते हैं इसको। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनीथिंग वंस अगेन। सो आज हमारे साथ है कावासाकी W175। सो ये एक बजट किंग है कावासाकी की तरफ से, एंड मार्केट में भी इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा जा रहा है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सो हमें कुछ ऐसी चाबी दिख जाएगी W175 में जो कि नॉर्मल की है, एंड एक स्पेयर की मिलेगा साथ में, इसको लगा लेते हैं। राइट, सो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट में आपको बड़ा सा हैलोजन हेडलैम्प दिख जाएगा विद हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स। अगर मैं टर्न इंडिकेटर को ऑन करता हूँ सो अभी देखेंगे कि यहाँ पे हैलोजन टर्न इंडिकेटर आपको दिखेगा सामने की ओर। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर दिख जाएगा, यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिखेगा, एंड ये मड से बचने के लिए यहाँ पे आपको कवर दिख जाएगा। नीचे यहाँ की बात की जाए सो यहाँ पे इसका जो मड फ्लैप है, सो ये मड फ्लैप जो है आपको हार्ड प्लास्टिक में दिख जाएगा। साइड में यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो टायर सेक्शन दिखेगा वो 80x100x17 इंच। तो यहाँ पे आपको 17 इंच की अलॉय व्हील दिख जाएगी बड़ी सी, एंड ये जो है आपको ट्यूबलेस टायर यहाँ पे MRF का दिख जाएगा। यहाँ पे जो आपको बड़ा सा डिस्क प्लेट दिख जाएगा विद ABS प्लेट, ABS रिक्वेस्टिंग सेंसर एंड डुअल पिस्टन वाइब्रेटिंग कैलिपर। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS दिखेगा, इसमें डुअल चैनल ABS नहीं दिखेगा, क्योंकि सामने जो है सामने आपको डिस्क प्लेट दिखेगा, पीछे जो आपको ड्रम ब्रेक दिख जाएंगे। दोस्तों बाइक के इस वाले सेक्शन की बात करते हैं, इस वाले सेक्शन में आपको एक मैटेनिक टैंक दिख जाएगा, और मैटेनिक टैंक की जो कैपेसिटी है ये 12 लीटर की कैपेसिटी आपको दिख जाएगी। एंड साइड में जो है यहाँ पे कावासाकी की ब्रांडिंग दिखेगी, एंड ये कुछ कलरफुल स्ट्रिप दिखेंगे, एंड ये टैंक पैड दिखेगा जो कि ये कंपनी फिटेड टैंक पैड है। सो ये टैंक पैड की क्वालिटी ओके ओके है। यहाँ पे नोटिस में स्टिकर चिपका हुआ है, एंड इसके थ्रू आप माइलेज अप्रॉक्स 40 km/L का माइलेज आप अचीव कर सकते हैं, सो दैट्स नॉट अ बैड नंबर। सो दोस्तों यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर हॉर्न दिख जाएगा, एंड अब बारी आती है इसके इंजन की। सो इसका इंजन आपको पता ही है कि मैं बाइक में बाइक का जो हर्ट होता है वो इसका इंजन होता है। सो इसके इंजन की बात की जाए, इसका इंजन जो है आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व इंजन दिख जाएगा विद सिंगल स्पार्क प्लग, एंड ये इंजन जो है वो 177 cc का आपको दिख जाएगा इसमें, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 12.8 bhp एट 7500 rpm, एट मैक्सिमम टॉर्क 13.2 Nm एट 6000 rpm। सो इसका पावर टू वेट रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सो अच्छा खासा पावर फिगर जनरेट कर लेता है, एंड इसमें जो है आपको वेट मल्टीप्लेट क्लच का ऑप्शन दिख जाएगा अलॉन्ग विद 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के साथ। सो ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख जाएगा, इसके अंदर आपके बैटरी सेक्शन है, ये आपका ड्राइवर फुटरेस्ट, ये आपका प्लेन फुटरेस्ट, ये आपका साड़ी गार्ड दिख जाएगा इसमें। पीछे स्विंग आर्म की बात करें तो स्विंग आर्म इसमें नॉर्मल स्विंग आर्म आपको दिखेगा अलॉन्ग विद स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन जो कि एडजस्टेबल टाइप है। इसके पीछे की बात की जाए सो इसके पीछे जो है आपको हैलोजन इंडिकेटर्स दिख जाएंगे अलॉन्ग विद हैलोजन टेल लैम्प, एंड इसका जो मड फ्लैप है वो आपको हार्ड प्लास्टिक में दिख जाएगा, और यहाँ पे जो है आप अपना नंबर प्लेट होल्ड कर सकते हैं। इसके पीछे की टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो पीछे जो है आपको टायर दिख जाएगा 100x90x17, तो 17 इंच का अलॉय व्हील पीछे भी है अलॉन्ग विथ ट्यूबलेस टायर, एंड इसमें जो है आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन दिख जाएगा, ये सेम स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन, ये पिलियन फुटरेस्ट, ये ड्राइवर फुटरेस्ट, एंड ये जो है रियर ब्रेक कैलिपर। पीछे साइलेंसर की बात की जाए तो साइलेंसर जो है कुछ इस प्रकार आपको मिल जाएगा, एंड ये साइलेंसर कैप साइलेंसर कवर जो है ये भी ये आपको मेटेलिक दिख जाएगा इसमें, और यहाँ पे छोटा सा कंपार्टमेंट मिलेगा। और दोस्तों इसका सीट की बात की जाए तो इसका सीट काफ़ी लंबा चौड़ा है आप देख सकते हैं, इसका कुशनिंग जो है इसका कुशनिंग भी बहुत ही अच्छे से की गई है, सो बैठने के बाद कंफर्टेबल आपको फील होने वाला है। अब अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो इसको ऑन करते हैं, ऑन करते ही
ये आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ये सेमी डिजिटल आप कह सकते हैं, ये फुली एनालॉग भी नहीं है एंड फुली डिजिटल भी नहीं है, ये सेमी डिजिटल है। सो ये ऊपर यहाँ पे मेंशन होता है क्लॉक, ये दिखाएगा कि मीन्स कितने आपकी बाइक चल चुकी है किलोमीटर। ये ओडो, ये फ्यूल इंडिकेटर दिखाएगा, बटन प्रेस करते हैं। सो काफ़ी बटन थोड़ा हार्ड प्रेस करना पड़ रहा है इसमें। ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर। सो दैट्स इट, इसमें बस यही ऑप्शन अवेलेबल है। अगर साइड के इंडिकेटर्स की बात की जाए तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट आपको इंडिकेटर्स दिख जाएंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको ये बैटरी इंडिकेटर दिखेगा, ये इंजन का, ये ABS, ये इंडिकेटर्स का दिखेगा। इंडिकेटर्स का मैं ऑन कर देता हूँ। सो इसमें टर्न बाय टर्न का ऑप्शन है नहीं। सो अगर आप राइट दबाएं या लेफ्ट दबाएं तो दोनों टाइम पे ये सेम ही इंडिकेटर ब्लिंक होने वाला है। एंड ये ऊपर वाला जो है हाई बीम के लिए, एंड यहाँ पे आपको न्यूट्रल का ऑप्शन दिख जाएगा। अब दोस्तों उसके इस वाले साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको राउंड शेप मिरर दिख जाएगा एंड इसका बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक में है। इसमें जो क्लच दिखता है आपको वो क्लच जो है वेट मल्टीप्लेट क्लच ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे इस साइड जो है आपको पास स्विच का ऑप्शन है, ये हाई बीम लो बीम इंडिकेटर्स के लिए, ये हॉर्न, तो हॉर्न इज डिसेंट। इस साइड की बात करते हैं तो ये आपको इंजन कट ऑफ स्विच एंड ये सेल्फ स्टार्ट के लिए दिख जाएगा एंड ये थ्रॉटल के लिए। सो इसका एक बार साउंड सुना देते हैं। तो ये आइडियल कंडीशन है। साउंड इज वेरी डिसेंट। सो दोस्तों मैं ये वीडियो जहाँ पे बना रहा हूँ इस शोरूम का डिटेल्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे मेंशन कर दिया है। सो आप उसके थ्रू इस एड्रेस को चेकआउट कर सकते हैं अलॉन्ग विथ इसका जो ऑन रोड प्राइस है इन दिल्ली इसका एंड ये बेस वेरियंट है, जितने भी वेरियंट है इसके मैं ऑन रोड प्राइस मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पर मैंशन कर दिया है, आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। Meanwhile 3340 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। साउंड सुन सकते हैं, नाइस साउंड। सो फ्रंट ABS बच्चा कह रहा है कि रेस लगाने के लिए। सो आई होप आपको दिख रहा होगा, यस 175 अकॉर्डिंग टू 175 अकॉर्डिंग टू 175 इट्स गुड। यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। साउंड आप सुन सकते हैं, काफी अच्छा साउंड है। इंजन बहुत ज्यादा स्मूथ है पहली बात, दूसरी बात इसका जो रिस्पॉन्स है, यू नो रिस्पॉन्स इन द सेंस थ्रॉटल का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है एंड इसका जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी है वो भी अच्छी है इसमें। हालांकि पीछे तो अरे यार इसमें तो रियर व्यू मिरर नहीं लगा हुआ है, मेरा आदत जो है बार बार पीछे देखने का है। सो इसका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है एंड इसका ब्रेकिंग रिस्पॉन्स भी अच्छा है। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS दिख जाएगा, इसको भगाते हैं थोड़ा सा। अच्छी है 175cc के अकॉर्डिंग, 175cc क्या 175 इसका मॉडल है, हालांकि इसमें जो आपको इंजन दिख जाता है वो 177cc का दिख जाता है। सो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर है एंड ये लाइट वेट है काफ़ी ज़्यादा, यू नो आप जब चलाएंगे तो यू विल फील इट। रही बात पोस्चर की, तो पोस्चर काफ़ी स्ट्रेट है आप देख सकते हैं एंड मैं इस पर बैठा हूँ। सो
इसका जो सीटिंग कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सो आपको इस पर बैठने के बाद टायर्डनेस फील नहीं होगा, जैसे टायरिंग फील होता है किसी किसी बाइक पे, सो इस पर वो फील नहीं होने वाला है। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है 175 cc के अकॉर्डिंग, और इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो कावासाकी ने इंजन पे बहुत ही अच्छा काम किया है, नो डाउट। सो आगे से मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा। आई डोंट नो आप लोग इसका साइलेंसर का साउंड सुन पा रहे कि नहीं, बट साइलेंसर का साउंड अच्छा है, नो डाउट। इसका क्लच जो है थोड़ा सा हार्ड है, बिकॉज क्लच आपको पता ही है वेट मल्टीप्लेट क्लच है, सो इसमें स्लिप एंड असिस्ट क्लच नहीं दिखता है, सो ये थोड़ा सा तो हार्ड क्लच है ये। और इसका जो हैंडल है, हैंडल के बारे में मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि मिस इसका हैंडल थोड़ा ना मेरे हाथों में तो लग रहा है, अब पता नहीं आप लोगों के हाथों का क्या सीन है, बट जब भी मैं हाथों में लग रहा है, इन द सेंस जो इसका जो पैडिंग है, जो इसका कह सकते हैं थ्रॉटल जो है, या फिर इसका जो क्लच में जो ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले यहाँ पर पैडिंग बिल्कुल भी नहीं है, एंड हाथों में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। सॉफ्ट रबर नहीं है ये, हार्ड रबर है। सो आप अपने लिए सॉफ्ट रबर लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट।